नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से सब्सक्राइबर्स को हाइड कर सकते हैं, वो भी स्टूडियो बीटा में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक तो बनता है यार। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में सब्सक्राइबर्स को क्यों हाइड करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जब भी आप YouTube चैनल पर नए आते हैं तो आपका सब्सक्राइबर्स कम होता है और लोगों का माइंड में ये सोच होता है कि जिसका सब्सक्राइबर्स कम है उसके पास नॉलेज नहीं होता है, और जिसके पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स होता है उसके पास ज्यादा नॉलेज होता है, और लोग जिसके पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स होता है उसी का वीडियो देखते हैं, उसी का वीडियो लाइक करते हैं, और जिसका सब्सक्राइबर्स कम होते हैं उसका वीडियो देखते ही नहीं है लोग, क्योंकि उसका माइंड में एक सोच बैठा हुआ है कि जो ज्यादा सब्सक्राइबर्स है उसके पास ही नॉलेज है और जिसके पास सब्सक्राइबर्स नहीं है उसके पास कुछ नॉलेज है ही नहीं, तो उसका वीडियो देख करके हमें कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहला क्या होगा, आप नए YouTube चैनल पर आए हैं तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को हाइड करना होगा। सब्सक्राइबर्स को हाइड कर देंगे तो आप वो देख नहीं पाएगा कि उसका कितना सब्सक्राइबर्स है, तो वो पहला रीजन हुआ। और दूसरा रीजन ये कि अगर आपके चैनल में ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और वॉच टाइम और व्यूज कम आते हैं तो उस वक्त भी आपके चैनल में जो भी सब्सक्राइबर्स उसे हाइड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर्स ज्यादा होगा और व्यूज कम होगा तो उस मामले में भी लोग गंदे गंदे कमेंट करेंगे आपको और आपके वीडियो को नहीं देखेंगे। ये रीजन है जिसके कारण लोग सब्सक्राइबर्स को हाइड करके रखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर में सब्सक्राइबर्स हाइड कैसे होते हैं। हमारे चैनल में बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए चलते हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से चलेंगे और सबसे पहले जाएंगे क्रोम ब्राउजर पे और क्रोम ब्राउजर के माध्यम से ही सारा प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्टूडियो बीटा पे आ चुके हैं, और अपने मोबाइल में अगर आप नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पे जा करके आप डेस्कटॉप मोड कर लीजिए। आप जैसे ही डेस्कटॉप मोड करेंगे कुछ इस तरह के फीचर्स में आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से जो भी YT स्टूडियो बीटा है वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का लोगो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है सबसे नीचे में। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पहले जाना है चैनल में, और चैनल में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको एडवांस सेटिंग पे जाना है और जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सब्सक्राइबर्स काउंट। अगर आप सब्सक्राइबर्स को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइबर को नहीं दिखाना चाहते, हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और जो भी सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। आपका 24 घंटे के अंदर आपका सब्सक्राइबर्स हाइड हो जाएगा। कभी कभी होता है कि 24 घंटा टाइम लगता है ना, कभी कभी तो घंटों में और मिनटों में हो जाता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो 24 घंटे के अंदर आपका सब्सक्राइबर्स हाइड हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताइए। अगर आप इसे फिर से जो भी आपका सब्सक्राइबर्स आप उसे दिखाना चाहते हैं तो आप फिर से यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे फिर से आप सेव कर देंगे तो आपका सब्सक्राइबर्स फिर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी ये नॉलेज आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो बनता है यार। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय।